अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से फोटोज खींच के अर्निंग कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखते रहना है, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। और ये एक ऐसा काम है कि आप फोटोज एक दफा खींच लेते हैं और आप मुख्तलिफ जो एमएच स्टॉक की वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर अपलोड कर दें, तो होगा इस तरह से कि आपकी फोटोज जो है वो सेल होती रहेंगी उसके बाद, और आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त काम है। इसमें मेहनत आपने एक दफा करनी है, और एक दफा मेहनत करके आप फोटोज को अपलोड कर दें, उसके बाद आपकी फोटोज बिकती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। मेरे अपने कई वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अकाउंट हैं, जैसे शटर स्टॉक है, आई स्टॉक है, इन अकाउंट्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जो फोटोज मैंने इन अकाउंट्स पे अपलोड की हुई वो भी आपको दिखाऊंगा। और आज मैं आपको एक और वेबसाइट बता रहा हूँ। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यह वेबसाइट बहुत सिंपल है। सिर्फ आपके एक से दो मिनट लगेंगे, आपका अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बन जाएगा, और इसी तरह एक दो मिनट के अंदर आप फोटोज अपलोड कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अभी शटरस्टॉक वगैरह का प्रॉब्लम यह है कि इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है, अप्रूवल वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये पूछते हैं जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाती है फोटोज़ इनके ऊपर सेल करना। लेकिन आज जो मैं वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही एक तो सिंपल है, और आप बहुत आसानी से इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा बहुत आसानी से इसके ऊपर अकाउंट बना सकता है, अपने स्मार्टफोन से अकाउंट बना सकता है, और स्मार्टफोन से ही फोटोज अपलोड कर सकता है। बस आपका स्मार्टफोन जो है वो 3 मेगापिक्सल से ऊपर की तस्वीरें खींचे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके ऊपर फोटोज अपलोड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। मैं भी आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। मैंने कंप्यूटर के ऊपर आपको बताया कि आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको स्मार्टफोन के ऊपर भी। तो मैं आपको अभी पीसी के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने dreamstime.com ओपन कर ली है। मैं इसको कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है तो आप इसको स्मार्टफोन पर ओपन कर लें। जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उनका जो इंटरफेस है वो तकरीबन एक ही जैसा होता है, यानी कि वो सारी मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, तो मोबाइल के ऊपर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे सेम ही होंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रीम्सटाइम ओपन है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा मेरे जो अकाउंट हैं वो दो वेबसाइट्स के ऊपर और भी हैं, यानी कि शटरस्टॉक के ऊपर भी मेरा अकाउंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने शटरस्टॉक के ऊपर थोड़ी सी फोटोज डाली हैं, लेकिन इसके ऊपर भी मेरा अकाउंट है। और इसके अलावा ये आई स्टॉक फोटो के ऊपर भी मेरा अकाउंट है, और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये सारी फोटोज मैंने अपलोड की हैं। अगर आप इन वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं फोटोज, तो मैं इससे मुतल्लिक पहले वीडियोस बना चुका हूँ। और ये जो दो वेबसाइट्स हैं, शटर स्टॉक और आई स्टॉक फोटो, ये दुनिया की बेहतरीन वेबसाइट्स हैं फोटोज को सेल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी फोटोज मैंने डाली, और इन्हीं में से मैं कुछ फोटोज जो हैं आज इस वेबसाइट पर डालूंगा dreamstime.com पे। तो अगर आप इन पे बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी फोटोज इन दो वेबसाइट्स के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, और इनके ऊपर अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो यकीनी तौर पे आपकी फोटोज अपलोड होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स हैं और बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। ड्रीम टाइम्स जो है ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, मतलब ये ऐसी नहीं है कि ये भी बिल्कुल फजूल वेबसाइट नहीं है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। लेकिन यह इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान है, यानी कि आप अकाउंट आसानी से बना सकते हैं और आप फोटोज़ वगैरह आसानी से अपलोड कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर नहीं है। तो इसके ऊपर हम आते हैं ड्रीम्सटाइम के ऊपर, और सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं साइन अप फॉर फ्री पे, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे दूंगा। और यहाँ पे पासवर्ड रखना है आपने, कैप्चा आपने चेक करना है, और साइन अप फॉर फ्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी ये जो आपके पास पेज ओपन हो गया है इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये पेज उन लोगों के लिए है जो लोग फोटोज परचेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि हमने फोटोज परचेज नहीं करने, हमने फोटोज सेल करने हैं। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो ये मैं वापस अपने जो मेन dreamtimes.com है उसके ऊपर आ गया हूँ। अब फोटो हमने अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने फोटोज़ जो हैं ये अपलोड किए हुए हैं। इसके ऊपर आप खाली फोटोज़ अपलोड नहीं कर सकते, बल्कि आप इसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और ऑडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और ऑडियो का काम आप जानते हैं, यानी कि आप वीडियो और ऑडियो बना सकते हैं, तो आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा अकाउंट बनाया आई टी की टिप्स यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है अपलोड ए फाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब मुझे कुछ डिटेल्स जो है वो देनी है, उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा फोटोज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल डिटेल्स हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, इसके अलावा इक्विपमेंट डिटेल्स आप दे सकते हैं, आप इसके अलावा फेवरेट सब्जेक्ट्स, ये जितनी भी डिटेल्स हैं दे सकते हैं। मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा dreams.com के ऊपर दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैं फोटोज सेल करता हूँ, ये अकाउंट सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे इंडस्ट्री दे सकते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग और टूरिज्म की फोटोज अपलोड करते हैं या जिस भी टाइप की करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने ये सारा फॉर्म अच्छी तरह से फिल करके जितनी भी डिटेल्स आप दे सकते हैं आप दे दें और आप इसको फिर सबमिट कर दें। मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐसे ही दे रहा हूँ और यहाँ पे आप इसको अपडेट प्रोफाइल कर देंगे, आपकी प्रोफाइल जो है ये अपडेट हो चुकी है। अब आपने दोबारा इस तरह से करना है कि दोबारा आपने आईटी की टिप्स जहाँ पे आपका अकाउंट है उसके ऊपर आना है, अपलोड फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो अब आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है ऐड और ड्रॉप फाइल्स हेयर, यानी कि यहाँ पे आपने यहाँ से आपने अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। इसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे फोटोज मैंने रखी हुई हैं, तो यहाँ से मैं एक फोटो अपलोड कर देता हूँ। ये काफ़ी सारी फोटोज हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सारी फोटोज हैं जो मैंने खींची हैं, इसी में से हम एक फोटो अपलोड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाली फोटो जो है ये आज मैं अपलोड करता हूँ, तो ये फोटो यहाँ से मैंने अपलोड पे लगाई हुई है, अपलोड हो रही है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप जब इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं फोटोज तो आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि पेमेंट मेथड जो है वो क्या है। तो ये सबसे पहले फोटो अपलोड हो गया, थोड़ा सा साइज हैवी हो गया इसका। आप फोटोज जो हैं वो अपने स्मार्टफोन से भी खींच सकते हैं, अगर आपके पास DSLR है, DSLR से आप खींचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड जी, मैंने 3 तस्वीरें यहाँ पे अपलोड पे लगाई हैं, इसमें से एक तस्वीर अपलोड हो चुकी है और दो जो हैं ये प्रोसेसिंग में है, तो काफ़ी टाइम लेता है ये प्रोसेसिंग में। तो एक जो तस्वीर अपलोड हो गई है इसको अभी हम सबमिट करते हैं, तो जैसे ही तस्वीर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी इस तरह से आ जाएगी आपके पास, और इसको अगर आप जहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने इसका टाइटल देना है और डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स जो हैं वो इसने खुद ही तस्वीर को देख के यहाँ पे उठा ली हैं, तो इस तरह से कीवर्ड्स इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये तस्वीर मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो यहीं से टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से मैंने टाइटल इसका कॉपी कर लिया और डिस्क्रिप्शन इसकी मैं ऐसे कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ। और ये देख सकते हैं कैटेगरी वगैरह इसने खुद ही सिलेक्ट कर ली है, और ये कह रहा है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कम है, तो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसमें मुझे और लिखनी पड़ेगी। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दी, यहाँ पे टाइटल डाल दिया, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि अगर मेरी तस्वीर जो है ये मतलब इनकी जो क्वालिटी टीम है उसको अप्रूव नहीं करती, तो ये फ्री लाइसेंस के साथ ये वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कर लें। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आई अपलोड दिस फाइल एक्सक्लूसिवली ऑन dreams.com, तो अगर आपके पास ऐसी तस्वीर है जो आप सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट के ऊपर दे रहे हैं बाकी किसी पे नहीं दे रहे, तो आप इसको चेक करें। अब मैंने जो है ये शटर स्टॉक पे भी दी है और बाकी आई स्टॉक वगैरह पे भी दी है, तो मैं इसको चेक नहीं कर रहा और मैं इसको सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। और यहाँ पे आप इसके कस्टम प्राइस भी लिख सकते हैं, रिकमेंडेड प्राइस रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो रिकमेंडेड प्राइस में ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं यहाँ से सबमिट, और ये आप देख सकते हैं कि इमेज जो है ये सबमिट हो गई है, और ये एक इमेज यहाँ पे आ गई है। अभी ये अंडर रिव्यू है, और अगर ये रिफ्यूज हो जाती है तो ये यहाँ पे इस टैब में आ जाएगी, रिफ्यूज फाइल जो है वो इस टैब में आएंगी। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि एक जो है मेरी
एमईजे अंडर रिव्यू है। इसके बाद अगर अपलोड पे आते हैं तो जो बाकी फाइल, जो बाकी मेरी एमईजेस थी वो भी अपलोड हो रही है। अब देखिए जैसे ये एमईज जो है ये भी प्रोसेस हो चुकी है, तो इसको भी मैं इसी तरह सबमिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका भी कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज वगैरह इसने खुद ही सारी उठा ली हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बाकी कुछ भी मुझे नहीं करना, और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सबमिट। तो ये देखिए दो इमेजेस मैंने सबमिट कर दी और मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस पर तस्वीरें सेल करते हैं तो आपको मतलब कितने पैसे वगैरह मिलेंगे। तो आप यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर नीचे आप टूल्स में आते हैं, और टूल्स में आने के बाद आप सेल योर इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अर्निंग के हवाले से पूरा चार्ट मिलेगा। और यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि आप जो इमेजेस सेल करेंगे उसकी कितने परसेंट आपको मिलेंगे। तो ये नॉन एक्सक्लूसिव इमेजेस जो है इसमें 25% आपको मतलब मिलेगा, और अगर एक्सक्लूसिव इमेज है तो इसका 27.5% मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह, अगर स्मॉल इमेज बिकेगी आपकी तो एक्स्ट्रा स्मॉल इमेज बिकेगी तो यहाँ पे आपको $0.34 मिल रहे हैं। और इस तरह अगर आपकी फुल साइज इमेज बिकती है मतलब मैक्सिमम जो उसका साइज होगा वो बिकेगी तो आपको $2.38 मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स है यहाँ पे तमाम चीज़ों की कि जो जो चीज़ें आप सेल करते हैं उनके आपको कितने पैसे मिलेंगे। जब आप उस पर अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से ये अर्निंग के हवाले से हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप और अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे आते हैं अगर टूल्स में, नहीं सॉरी, आप यहाँ पे आएंगे माई अकाउंट में। माई अकाउंट में आने के बाद आप यहाँ टूल्स में आएंगे और यहाँ पे अगर आप रेफरल प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये रेफरल लिंक किसी को देते हैं ये कॉपी करके यहाँ से, तो जो भी बंदा इस पर अकाउंट बनाएगा और अपनी तस्वीरें सेल करेगा तो उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपका फेसबुक पेज या कोई ग्रुप है फेसबुक के, आप मज़ीद दोस्तों को अपने बताते हैं तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट मेथड जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक है, पेपल है, प्योनियर है और मनी बुकर्स है। तो आप यहाँ पे प्योनियर को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्योनियर चलता है, या आप चेक के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट का सेटअप अभी नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि इसमें जब तक आप कुछ ना कुछ अर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट मेथड इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप या चेक से पेमेंट ले सकते हैं या पेनर से पेमेंट ले सकते हैं। और मैंने भी आपको बता दिया कि आप किस तरह से तस्वीरें इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। कम से कम 3 मेगापिक्सल का कैमरा आपको होना चाहिए जो भी तस्वीरें आप अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है, आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप लाजमी चेक कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।